हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। कल मैंने कुछ वीडियोस डाली थी आप लोगों के लिए, क्लास 8 साइंस एंड क्लास 10 साइंस। क्या आप लोगों ने वो सारी वीडियोस देख ली हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हाँ दीदी या फिर हाँ मैम, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है उन वीडियोस को। एंड तो आज मैंने कम्युनिटी पोल में डाला था कि अपन जीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें या नहीं कर लें। बच्चों, 100 टॉप 100 क्वेश्चन फॉर जीके, ये क्लास 8 के लिए भी आएगा और क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, मतलब जो क्लास 9th में है 10th के लिए, और क्लास 9th में है क्लास 8th वाले फॉर्म को फिल किया है क्लास 8th का जिसमें सिलेबस आएगा, एंड क्लास 11th रनिंग स्टूडेंट क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये जीके तो सभी में सेम होती है, जीके किसी में भी चेंज नहीं होती है। तो देखते हैं, आज 100 क्वेश्चन देखेंगे आज अपन लोग। आपको प्लीज 100 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। जो जो क्वेश्चन मैं बोलूंगी कि आप लर्न कर लीजिए, मतलब याद कर लीजिए, इनका कोई और ऑप्शन नहीं है, तो प्लीज़ आप उन्हें याद ही कर लीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और चैनल को विजिट करते रहिए, चैनल पे अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। अभी और भी क्वेश्चंस में SST के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाली हूँ आप लोगों को, एंड कुछ दिनों बाद मेरे चैनल पर मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट फार्मूला शीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि टॉप 50 क्वेश्चन मैथ के, टॉप 100 क्वेश्चन मैथ के, अगर आप लोगों को वो भी चाहिए कि मैथ के सुपर 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन या फिर SST के टॉप 100 क्वेश्चन, तो आप मुझे वो बता सकते हैं, मैं वो भी कर दूंगी आप लोगों के लिए। बट प्लीज़ अच्छे से पढ़ें, कम से कम एक दिन में दो दो से 2.5 घंटे 3 घंटे का एवरेजली इस एग्ज़ाम का आपको देना पड़ेगा। मैंने कल भी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आपको 30 से 35 दिन बस 3 घंटे अच्छे से पढ़ना है। 100 आवर्स की ये अपनी जर्नी है पूरी बच्चों, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, क्योंकि गवर्नमेंट आपको इतने सारे रुपए दे रही है, तो प्लीज़ फ्री में कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं है यहाँ। हर किसी चीज़ का आपको जो दाम है वो चुकाना पड़ेगा, हर किसी चीज़ का मूल्य चुकाना पड़ेगा, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं किसी आपको कोई लेबरगिरी करनी पड़ रही है या फिर कोई वर्क करना पड़ रहा है। आपको नॉर्मल अपने रूम में बैठ के पढ़ना है, अपने मोबाइल से पढ़ना है, अपने ईयरफोन से सुनना है मुझे, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। तो देखते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मतलब भारतीय संविधान जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका शासन जो है किस तरह की व्यवस्था की गई है? तो उसमें संसदीय व्यवस्था है, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि अपने यहाँ संसद संसद भवन है। देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, नीली क्रांति संबंधित है, मतलब क्या है बच्चों? ब्लू रेवोल्यूशन। क्या है? ब्लू रेवोल्यूशन। सारे रेवोल्यूशन आपको याद कर लेने हैं। अगर किसी बच्चे को रेवोल्यूशन याद नहीं है तो प्लीज वो मेरी वीडियो डेली देखें, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ टॉपिक्स, कुछ ना कुछ अलग क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ आपके लिए, जो थोड़े मैशअप क्वेश्चन हो, जिससे आपको पता लग पाए कि एग्जाम कैसे होने वाला है, एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और प्लीज अगर किसी बच्चे ने 35 डेज मेरे साथ मिलके कदम से कदम मिला के प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से क्वेश्चन लगाए हैं मेरे साथ क्वेश्चन, वो खुद से भी आंसर कर रहा है, उसे क्वेश्चन याद भी रह रहे हैं, तो मैं दावा कर सकती हूँ कि आपके 400 मार्क्स का एग्जाम है, तो 300 या फिर 350 कहीं भी नहीं गए हैं। प्लीज़ आपको बस 30 से 35 डेज अच्छे से पढ़ना है। और साइंस में तो अपन महारत हासिल कर ही लेंगे, जीके में भी कर लेंगे। SST के लिए आप मुझे बता दीजिएगा SST चाहिए या नहीं, और मैथ्स के लिए भी बता दीजिएगा। तो नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से, मतलब क्या है इसका? फिश प्रोडक्शन। क्या है? फिश प्रोडक्शन। ब्लू ब्लू क्या होता है? पानी होता है, आपको पता है वाटर जो ब्लू है, पानी पानी, अगर किसी ने सॉन्ग भी सुना है तो अपन उस चीज से याद कर लीजिए, ब्लू है पानी पानी, तो पानी पानी में क्या होता है? फिश। तो फिश क्या है? ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन मतलब फिश प्रोडक्शन। तो आपको प्लीज ऐसे याद करना है, ऐसे ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज हर किसी फ्रेंड को शेयर करें। ऐसा नहीं है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए या फिर किसी और का ना हो, शिक्षा तो बांटने से ही बढ़ती है। देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। क्या करना है? सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, गुड़गांव, कानपुर, विशाखापट्टनम, लुधियाना, यहाँ लिखा हुआ पोत निर्माण, हौजरी, मोटर गाड़ियाँ, उर्वरक। और देखते हैं, सबसे ज्यादा आप लोगों को पता होगा कि जो विशाखापट्टनम है वो एक बंदरगाह है, पोर्ट है, पोत निर्माण होता है वहां पर। तो सी का फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखते हैं सी का फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है अपने को। तो बच्चों देखिए, सी का फर्स्ट ऑप्शन सेकंड में भी मिल रहा है और थर्ड में भी मिल रहा है। अब देखते हैं
गुड़गांव, गुड़गांव में आप लोगों को सबको ही पता होगा कि कार के शोरूम बहुत ज्यादा है। तो वन का थर्ड इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। अपन देखते हैं बी का, मतलब कानपुर। कानपुर में क्या उर्वरक होता है, और लुधियाना में हौजरी का काम है। लुधियाना में हौजरी का काम है, मतलब पंजाब में। पंजाब में क्या खबर, क्या हौजरी के कपड़े आते हैं आप लोगों के। तो डी का आएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन, डी का आएगा सेकंड नंबर। तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन, तो अपन सेकंड लगा के आगे चले जाएंगे। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। खरीफ फसल बतानी है, फूड प्रोडक्शन में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो धान इज द खरीफ फसल, धान मतलब होता है राइस, राइस मतलब चावल। अपन इसे क्या बोलते हैं, धान, धान में से बनता है चावल। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको इस चीज को याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है कि भारत के विभाजन के टाइम पर, जब अपना इंडिया डिवाइड हुआ था, इंडिया का जब डिवाइडेशन हुआ, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बताने, मतलब जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का अध्यक्ष बताना है, जो भी इंडियन कांग्रेस है। तो इसके अध्यक्ष है जेवी कृपलानी। कौन है, जेवी कृपलानी, जेवी कृपलानी। तो प्लीज आपको इस चीज को याद करना है। इस चीज को आपको याद ही करना पड़ेगा, बिकॉज इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मैंने तो आपको कल भी समझाया था कि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता बच्चों, अपने को अच्छे से मेहनत ही करनी पड़ती है। जेवी कृपलानी, ओके। चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्न घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, मतलब उनके टाइम पीरियड के हिसाब से इसमें बताना है। और ये SST के क्वेश्चन है, सोशल साइंस के क्वेश्चन है, सोशल साइंस प्लस GK, मतलब जनरल जो साइंस होती है अपनी, सोशल साइंस वाली। तो इसमें देखते हैं अपन, तो सबसे पहले क्या हुआ था, जिन्ना द्वारा शिमला कांग्रेस को विध्वंस करना, मतलब डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डी इसमें भी आ रहा है। फिर क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन, फर्स्ट नंबर पे ये हुआ था, सेकंड नंबर पे कैबिनेट मिशन आया था। फिर हुई थी मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही, अंतिम सरकार का गठन, मतलब अंतिम सरकार का गठन ए का लास्ट ऑप्शन है, तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। और प्लीज आप लोग मेरे साथ जरूर बोल बोल के पढ़ें, क्योंकि अगर आप बोल बोल के नहीं पढ़ेंगे तो आपको आएगा कैसे, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं बस वीडियो देख रहे हैं, वीडियो चल रही है, आप लोगों को भी लर्न करना पड़ेगा मेरे साथ साथ। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। मतलब भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस इसका मतलब क्या हुआ, डिफेंस होती है रक्षा करना, मतलब रक्षा मंत्रालय का स्टाफ कौन था। तो ये सबको पता ही होगा, जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत कौन है, जनरल बिपिन रावत। एक मिनट बच्चों, मैं अपने हाइलाइटर का थोड़ा कलर चेंज कर लूं। तो बच्चों को दिख रहा है ये कलर, जनरल बिपिन रावत। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। मतलब ऐसा कौन सा तंत्र है जो अपनी पृथ्वी, मतलब जो अपनी अर्थ के सभी तरफ फैला हुआ है। तो वो क्या है, समुद्रिक। समुद्रिक मतलब होता है, समुद्रिक मतलब होता है बच्चों जो अपना ओशियन है। तो ओशियन सबसे ज्यादा है अपनी अपनी अर्थ पर। 59 नंबर क्वेश्चन देखें, विश्व ओजोन डे कब मनाया जाता है। तो प्लीज ये डेज वगैरह जो भी आते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड ओजोन डे, ये सारे डेज आपको एक अलग से एक पेज बना लेना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम से एक दिन पहले तो मैं रिविजन कराऊंगी इन डेज वगैरह का, बट फिर भी आप अपने लिए अच्छे से एक कॉपी बना लें, प्रॉपर एक पतली सी कॉपी बना लें, 10 to 20, 30, 50 रुपीज़ की, जो बिल्कुल पतली हो, अच्छी कॉपी हो, जिसमें अच्छी अच्छी चीज़ें अपन लिख सकें। मतलब वर्ल्ड ओजोन डे, जो अपन भूल भूल जाएंगे उन चीज़ों को आप शॉर्ट नोट की तरह बना लेंगे। वर्ल्ड ओजोन डे इक्वल क्या है, 16 सेप्टेम्बर, जो कि अभी आने वाला है, जो कि अभी आने वाला है। जो कि अभी आने वाला है 59 का क्या जाएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो सांची स्तूप जो है वो किस किस राजा ने बनवाया था, किस शासक ने बनवाया था।
तो किसने बनवाया था? अशोक ने। किसने बनवाया था बच्चों? अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने। 61 नंबर क्वेश्चन देखें, कुमार संभव महाकाल किस कवि ने लिखा है? तो प्लीज आप इन सारी चीजों को भी लिख लें एक पतली सी कॉपी बना के, कि ये चीज किसने लिखी हुई है। बुक्स वगैरह के नाम बहुत पूछ जाते हैं। कालिदास ने लिखा है। किसने लिखा है बच्चों? कालिदास ने। कालिदास ने क्या लिखा है? कुमार संभव। कुमार संभव। नीचे दो कथन दिए गए हैं, देखते हैं दो कथन क्या दिए गए हैं बच्चों। तो मैंने आपको बताया ऐसा ऐसा रीजन सबसे ज्यादा आने वाले हैं, स्टेटमेंट सबसे ज्यादा आने वाले हैं, ट्रू एंड फॉल्स सबसे ज्यादा आने वाला है इसमें। एक मिनट बच्चों, अब आपको आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही होगी मेरी। इसमें असेसन रीजन आने वाले हैं, ट्रू फॉल्स आने वाले हैं, और स्टेटमेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, जिससे एनटी आपको उलझाने का ट्राई करेगा। बट अपन को उलझना नहीं है, क्योंकि अपन किससे पढ़ रहे हैं? रिमझिम दीदी से। अपन सारे बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को असेसन रीजन में, ट्रू फॉल्स में, इन सब में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी आपके। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट ऑप्शन। क्या दे रहा है ये? अब आपको बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा होगा, कथन ए और दो दोनों सही हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? अब ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाई जा सकती। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, मतलब फीमेल बताना, राष्ट्रपति नहीं बनाना, ओनली फीमेल राष्ट्रपति कौन थी, मतलब फीमेल प्रेसिडेंट। फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। 64 नंबर क्वेश्चन देखें, बुकर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर जाएगा B.S. नायपॉल। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद ही करना पड़ेगा, B.S. नायपॉल। ये सारी जीके के क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के। हो सकता है किसी बच्चे ने कुछ कुछ क्वेश्चन आए, उन लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन आए क्योंकि उन्होंने बचपन में पढ़ रखे होंगे। संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा। तो जो आपका संयुक्त राष्ट्र है यूएन, इसका मुख्यालय, मतलब इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। देखते हैं 66 नंबर, देखिए आइए, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? अगेन आ गया कि कालक्रम बताइए। तो सबसे पहले क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन। सबसे फर्स्ट पे क्या है? चंपारण आंदोलन। अहमदाबाद मील हड़ताल। सेकंड नंबर पे क्या हुआ था? अहमदाबाद मील हड़ताल। फिर तीसरे नंबर पे आया था खेड़ा सत्याग्रह। फिर फोर्थ नंबर पे आया था असहयोग आंदोलन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। ये बिल्कुल क्रम अनुसार दिया गया है ऑलरेडी, बस आपको घुमाने के लिए कर दिया है, जिससे बच्चे अपना टाइम बर्बाद करें। अब देखते हैं ये क्वेश्चन पता है कि नहीं पता है। अभी अभी निकल के गया अपना 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे सब लोगों ने मना लिया होगा। कुछ लोग सोए होंगे पूरे दिन, कुछ लोगों ने मटरगश्ती की होगी, कुछ लोगों ने अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं बच्चे। बट क्या आपने उसकी नॉलेज है आपको, कि अपन इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं, सबसे फर्स्ट टाइम ये कब हुआ था? तो प्लीज इन सारी चीजों को अपना क्यूरियोसिटी डेवलप करें अपने अंदर, कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा ये चीज क्यों है। फ्लैग में 3 कलर्स क्यों है, और कलर्स क्यों नहीं है फ्लैग में? बीच में अशोक अशोक जी का चक्र जो है, जिसमें 24 तीलियां हैं, ऐसा क्यों है? तो प्लीज आप क्यों पे भी ध्यान दीजिए। तो जनगण मन पहली बार किस वर्ष गाया गया था? किसी को पता भी नहीं होगा ये चीज। और जनगण मन डेली स्कूल में डेली गाता है, क्या किसी को पता है? 1911 में गाया गया था, 1911 में गाया गया था। अब देखते हैं मैचिंग, मैचिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो प्लीज मैचिंग मैचिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैचिंग में टाइम बर्बाद होता है बहुत ज्यादा। 68 क्वेश्चन देखो, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सऊदी अरेब। मतलब सऊदी अरेबिया मैं ऐसे याद करती थी बचपन में, व्हाइट वाले अंकल हैं, मतलब पूरा व्हाइट पहनी होती है और ब्लैक कलर का ऐसे कुछ सर्कल सा बना होता है उनके हेड पर, सऊदी अरेबिया।
येन, पैसो, रियाल, यूरो। अब इनका ये देखना है कि ये किस चीज से मैच खा रहे हैं। तो मैक्सिको का होता है बच्चों पैसो, और ऑस्ट्रेलिया का होता है यूरो, और जापान का होता है येन। जापान का क्या होता है? येन। सऊदी अरेबिया का होता है रियाल। रियाल लिखा हुआ है, रियाल। क्या लिखा हुआ है? रियाल। तो ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है कि डी का थर्ड हो जिसमें? बिल्कुल मिल रहा है, डी का थर्ड। डी का थर्ड ऑप्शन इज द सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन पढ़े, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ भी मत पढ़िए एक्स्ट्रा, बस इस चैनल को जल्दी से जल्दी फॉलो करते जाएं, डेली डेली वीडियोस देखें प्रॉपर। और ऐसा नहीं है कि 2x स्पीड पे लगा के देख रहे हैं या फिर और भी हाई स्पीड पे लगा के देख रहे हैं। हाई स्पीड पे लगाने की जरूरत नहीं है, कम से कम 2-2.5 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको इतने सारे पैसे दिए जा रहे हैं, ऐसे फ्री में तो नहीं मिलेंगे बच्चों आपको, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मैं 10 मिनट की वीडियो बनाऊँ, 10 मिनट में 50 क्वेश्चन तो आपको नहीं आएगा समझ में, इसलिए मुझे लॉन्ग वीडियोज बनानी पड़ रही है, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन करा के पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। और मैं 100% बोल सकती हूँ कि सारा पेपर इन्हीं क्वेश्चन से आएगा। जिस किसी ने भी इन पूरी वीडियोस को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ के पढ़ा है, तो समथिंग मानिए 100 क्वेश्चंस में से आपके 75 इसी चैनल से आ जाएंगे। और मैं ये आपको प्रूफ भी दिखाने वाली हूँ। 29 सितंबर का आपका पेपर है, तो अपन समथिंग सितंबर अक्टूबर 5 या 6 तारीख तक प्रॉपर मैं एनालाइज करके अपने चैनल पे प्रॉपर डालूंगी कि ये मैंने यहाँ से पढ़ाया था, ये मैंने यहाँ से पढ़ाया था। 69 क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? नीचे दो कथन दिए गए हैं। पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है। यूरिया एक रासायनिक उर्वरक है, केमिकल फर्टिलाइजर है यूरिया। अगर आपने सुना होगा खेतों में क्या डलता है, यूरिया डलता है। कि क्या डालने जा रहे हैं, कोई गांव से है बच्चा तो उसे पता ही होगा कि खेतों में क्या डलाया, यूरिया डलाया। मतलब यूरिया क्या होता है? एक खाद होता है। कैसा? केमिकल वाला। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब डायरेक्ट चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान बताइए, मतलब ब्लड का पीएच बताना है। क्या बताना है? ब्लड का पीएच। ब्लड का पीएच किसी को पता है क्या होता है? एसिड होता है या बेसिक? और आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। आप लोगों देखते हैं एसिड एंड एसिड होता है या बेस होता है। तो 0 से 7 तक जो अपना पीएच स्केल होता है उसमें एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक। और 7 से 14 तक क्या होता है बच्चों? बेस। और किसी के माइंड में आ रहा होगा अगर 7 हुआ तो एसिड लिखेंगे या बेस लिखेंगे, क्योंकि ये तो आपने 7 एसिड में भी लिख दिया दीदी, 7 बेस में भी लिख दिया। बट ऐसा नहीं है, अगर प्रॉपर 7 होगा, 6.9 भी नहीं होना चाहिए, 7.1 भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सटीक एकदम 7 एग्जैक्ट, तो क्या कहते हैं उसको? न्यूट्रल। ना ही तो ये एसिड है और ना ही तो ये बेस है। तो देखते हैं क्या है फिर। तो मनुष्य के पीएच, ब्लड का पीएच, मतलब अपने ह्यूमन ब्लड का पीएच बताना है इसमें, तो क्या होता है? 7.4, 7 से थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखें बच्चों। राष्ट्रपति पद्धति क्या लिखा है? पद्धति। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। किसमें होती हैं भैया? राष्ट्रपति में होती हैं। राष्ट्रपति पद्धति, राष्ट्रपति पद्धति चल रही तो राष्ट्रपति में ही होंगी, इसमें क्या सोचने की बात है बच्चों? आप लोग बिना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे तो पता नहीं क्या ही कर पाएंगे आगे जाकर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? क्या सभी लोगों को पता है या नहीं पता है? पुष्प मतलब फ्लावर होता है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। क्या है? लोटस। अगर किसी को ये क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा पेपर में जाके, तो आप प्लीज अपनी पढ़ाई को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पेरेंट्स से बोलिए कि हमें नहीं पढ़ना है, हमें कुछ भी याद नहीं रहता है, और हमें फ्लावर्स के बारे में नहीं पता है, हमें लोटस देखा नहीं है अभी तक, और हमने जो भी बचपन में पढ़ा है वो हमें अभी तक याद नहीं है। तो प्लीज ड्रॉप आउट योर स्कूल एंड मस्ती करो, और फिर थोड़ी टाइम बाद जब आपको रियलाइज होगा कि यार पढ़ लेते तब आप कुछ वर्क कर रहे होंगे, किसी छोटी चीज छोटी जगह पर काम कर रहे होंगे। इसलिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और प्लीज़ कोई भी कमेंट सेक्शन में ये ना लिखे, और कोई भी कम्युनिटी पोल में मुझे ये टिक ना करते हुए मिले कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते। ओके, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो प्लीज़ आप वर्क कीजिए या फिर कहीं भी लेबरगिरी का काम कीजिए, बट आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ना अपन को पंखे के नीचे है, लाइट के नीचे है, अपने पास सारी चीज़ें हैं,
थोड़ी दिन अगर आप वर्क करके देखेंगे तो आप उस चीज को रियलाइज करेंगे, यार पढ़ लेते तो अच्छा रहता। जलीकट्टू, बात करते हैं 73rd नंबर क्वेश्चन। जलीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे क्वेश्चन कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता है कि स्पोर्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जीके वाली स्पोर्ट्स 73rd नंबर का है फर्स्ट ऑप्शन। तमिलनाडु, तमिलनाडु का ही प्रसिद्ध खेल है। क्या है? प्रसिद्ध खेल है। अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपने देखा ही होगा न्यूज चैनल में कभी कभी कि राम जी का मंदिर बन रहा है वहाँ बहुत बड़ा, और राम जी की स्टैचू भी बन रही है। अभी अभी अपडेट आई है इसके ऊपर, तो कि राम जी की स्टैचू सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू बना रहे हैं अपने इंडिया वाले। किस चीज के ऊपर? राम जी की प्रतिमा बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं? अयोध्या। अब ये पूछ लेगा कि कौन सी प्रतिमा बना रहे हैं अयोध्या में, तो राम जी की बना रहे हैं। और किस नदी के किनारे अवस्थित है? सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। 75 नंबर क्वेश्चन, जीएसटी। अभी के हाल ही के क्वेश्चन लिए मैंने आप लोगों के लिए, जिससे क्या है एनटीए का जो दौर है वो नई नई चीजें पूछता है, जो जो चीज 2 साल पुरानी है। कोविड-19 के ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं कुछ कुछ, मैं बताऊंगी आपको आगे डिसीज वाले चैप्टर में। तो देखते हैं, जीएसटी का संबंध है, अभी अभी आपको पता होगा जीएसटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया अभी 2 सालों के अंदर, क्योंकि फंड नहीं है इंडिया के पास इतना, और फंड नहीं है तो कहाँ से लेगी? पब्लिक से ही कलेक्ट करेगा ये सब, उनके पास थोड़ी कोई उपज रहा है। फर्स्ट जाएगा उत्पाद शुल्क से। जीएसटी किसका संबंध है? उत्पाद शुल्क है। सीमा शुल्क से? सीमा शुल्क से नहीं है, बॉर्डर से नहीं है। संपत्ति कर से? निर्यात शुल्क से। तो जीएसटी का संबंध किससे है बच्चों? उत्पाद शुल्क से। तो ऐसे क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस भी हैं इसमें, कुछ पुराने पुराने क्वेश्चंस भी हैं, जिससे क्या है थोड़ा मेंटेन रहे अपना बैलेंस एग्जाम का। एग्जाम में अगर पुराने क्वेश्चन आए तो भी फोड़ दोगे, और नए क्वेश्चन आएंगे तो भी फोड़ दोगे। बस बने रहो इस चैनल पर अच्छे से। अब देखते हैं मैचिंग। तो मैचिंग में प्लीज ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो अपना, क्योंकि ये टाइम गपाने की चीज़ है, आपका टाइम खाएगी। तो ठीक है, अब मैंने एक वीडियो डाली थी जीके के ऊपर, भारत में सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। मैं दावा करती हूँ उस वीडियो से 2 क्वेश्चन पक्के में आने हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। और ये देखिए, सेम क्वेश्चन यहाँ है, उस वीडियो से ही है। मैंने वीडियो पहले बना दी है क्योंकि मेरे को लगा वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आने वाली है, और आई भी है उनसे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आ गया, आपको मिल गया 76 नंबर क्वेश्चन। हीराकुंड परियोजना कहाँ पर आई है? ओडिशा में। कहाँ पे है? ओडिशा में। हल्दिया, ये क्या लिखा है बच्चों? मेरे को ज्यादा इंग्लिश आती नहीं, हिंदी नहीं आती है। हल्दिया रिफाइनरी कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पर है बच्चों? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। बाखड़ा परियोजना सबने सुनाई होगा, बाखड़ा बांध सबसे अच्छा बांध है और सबसे बड़ा बांध है शायद मेरे हिसाब से। बाखड़ा बांध इसका कुछ चीज बड़ी है, इसे फेमस है पंजाब को लेके, कि पंजाब में सबसे अच्छा बांध और सबसे बड़ा बांध, आई डोंट नो क्या है, आप देख लीजिएगा। तो क्या जाएगा इसका? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, 77 नंबर पर चलें, सबको समझ में आ गया? अगर किसी को कुछ भी समझ में ना आया, डाउट हो, तो प्लीज ओपनली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन ये नहीं आया समझ में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? जैसा कि आपको पता ही होगा, सुबह सुबह आप लोगों ने सूर्य देवता को देखा ही होगा, सूर्य भगवान कहते हैं अपन लोग, तो उनका जो सनलाइट है, मतलब उनका जो प्रकाश है, वो अपनी अर्थ पर कितने समय में पहुंचता है? तो देखते हैं कितने समय में पहुंचता है। 8 मिनट में। कितने में? 8 मिनट में। प्लीज आपसे, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, 8 सेकंड मत लगाया ना, क्योंकि 8 सेकंड फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है। आठ देखोगे और फर्स्ट ऑप्शन टिक लगा के ओएमआर भर के चल दोगे, और ओएमआर मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। मैं एग्जाम से 2 दिन पहले आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी, और मैंने कम्युनिटी में डाल रखा है कि अगर मेरे 250 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, आप लोग मेरे 250 सब्सक्राइबर करा दोगे, तो मैं एक जूम मीटिंग रखने वाली हूँ अपने बच्चों के साथ, जो भी इस प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जाम की, चाहे वो क्लास 8 के बच्चे हों, चाहे वो क्लास 10 के बच्चे हों, दोनों उस जूम मीटिंग में मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे, और मैं कुछ अच्छी अच्छी टिप्स बताने वाली हूँ उनको कि आपको कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है, कैसे आप अच्छी रैंक पे पहुँच सकते हो। तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि मैंने देखा अपने चैनल में जाके समथिंग 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और 30% ओनली सब्सक्राइब रेट है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ऐसे देख के ना चले जाएं।
78 का है, झूम किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, झूम किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, खेती की पद्धति को कहते हैं, किसको कहते हैं बच्चों, खेती की पद्धति होती है, एग्रीकल्चर फील्ड वाले बच्चों को जरूर पता होगा इस बारे में। मिड डे मील, मिड डे मील योजना सर्वप्रथम किस राज्य में चालू है, चालू की है, मिड डे मील आपको पता ही होगा, स्कूल में आपको छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं प्राइमरी स्कूल होते हैं उनको खाना दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं मिड डे मील, मिड डे मतलब 12 से 1 बजे वाला भोजन उन्हें पहुंचाया जाता है, तो इसका ऑप्शन जाएगा तमिलनाडु, सबसे फर्स्ट कहाँ पे स्टार्ट हुई है, तमिलनाडु। नाबार्ड किस वर्ष अस्तित्व में आया, नाबार्ड किस वर्ष अस्तित्व में आया, नाबार्ड किस वर्ष आया था बच्चों, 1982, मतलब 1982, 1982 में आया था। नीचे दो कथन दिए गए हैं द्वारा से अर्थशास्त्र डिजाइन आ गए, अर्थशास्त्र डिजाइन इतनी भर भर के आएंगे, मैचिंग भर भर के आएंगे, ट्रू फॉल्स भर भर के आएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बड़े बड़े ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, देखते हैं कैसे इनको सिंपल करते हैं। आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ बोल बोल के पढ़िए। पारिस्थितिक के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल होता है भाई, पागल हो गए, अगर एसी लगाएंगे, अब मैंने एसी लगा ली है अपने अपने पूरे फ्लैट में, पूरी बिल्डिंग में 15-20 AC लगा ली है, तो एनवायरनमेंट में इफेक्ट नहीं होगा क्या, मैंने मुझे एक अच्छा घर लेना है जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हो, या फिर रोड साइड मुझे घर लेना है, या फिर किसी भी जगह मुझे कंस्ट्रक्शन कराना है और वहां पर लगे हैं 50 पेड़, मैंने 50 पेड़ों को काट दिया और अपनी बिल्डिंग शानदार खड़ी करवा ली, 50 मंजिला कम से कम, बिल्कुल बुर्ज खलीफा को टच कर रही है, तो बुर्ज खलीफा तो बहुत बड़ा है बच्चे, फिर भी बुर्ज खलीफा को टच कर रही, तो मुझे कितना ज्यादा एरिया एरिया चाहिए उसके लिए, और कितना ज्यादा मुझे उसके लिए प्लांट्स को कट करना पड़ेगा, ट्रीज को कट करना पड़ेगा, तो ये मेरे द्वारा क्रिया की गई है ना, मानव द्वारा मतलब दीदी के द्वारा क्रिया की गई है, तो वातावरण को प्रभावित कर रही है, तो इट इज द रॉन्ग ऑप्शन, तो फर्स्ट सही है बस, कथन ए सही है लेकिन कथन दो गलत है। हरित गृह प्रभाव क्या होता है, हरित गृह प्रभाव क्या होता है, तो ये क्या होता है, वैश्विक ताप में वृद्धि, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने अगर पूरी बिल्डिंग में 50-60 AC लगवा दिए तो क्या होगा, वैश्विक ताप में वृद्धि होगी, बाहर तो गर्मी हो जाएगी और अंदर आप बिल्कुल चिल में बैठे हो आराम से, अपना पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, कुछ लोग रील पा जाए मतलब रील्स को सरका रहे हैं और कुछ लोग अपना वर्क कर रहे हैं, कुछ नहीं है तो सो ही रहे हैं आराम से 18-18, 20-20 घंटे, क्या होगा पढ़ाई लिखाई करके, मम्मी पापा हैं तो पैसा खर्च करने के लिए, आप लोगों को क्या पढ़ने, तो प्लीज पढ़िए। हरित गृह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो इसमें क्या होती है, वर्ल्ड जो बाहर का जो टेम्परेचर है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो नदियों का सूखना बिल्कुल हो सकता है, बट फर्स्ट ऑप्शन तो यही जाएगा, अभी इसको देख लेंगे अपन। अवैल वृक्षारोपण में वृद्धि, भैया वृक्ष कहाँ से लग सकते हैं, जब आप अंदर ठंडा कर रहे हो बाहर गर्मी कर रहे हो तो पेड़ मर नहीं जाएंगे, थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। अधिक जल वाष्प, अधिक जल वाष्प मतलब वाटर वाटर का जो वो है वेपराइजेशन ज्यादा होगा, कैसे होगा, बाहर तो गर्मी हो रही है अंदर ठंडक कर रखी है, बाहर कैसे वाटर वेपराइजेशन होगा, बाहर भी ठंडक चाहिए बिल्कुल। नदियों का सूखना, नदी सूख सकती है पर इतना ज्यादा ये प्रिसाइजली वो नहीं है, प्रिसाइज ठीक नहीं है अपने लिए, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है, चलो फर्स्ट को लगा के आगे चलो, कभी भी अगर ऐसा लगे कि यार इसका फर्स्ट भी जाना चाहिए इसका सेकंड भी जाना चाहिए, पर मोर करेक्ट कौन सा है, तो फर्स्ट लगा के आगे चलो जो मोर करेक्ट है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो प्लीज आपको ये वाले क्वेश्चन तो याद ही करने पड़ेंगे, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, झांसी कहाँ पर है, झांसी में, नेशनल बताना था तो मैंने बता दिया झांसी। मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था, क्या है, मुगल काल में मतलब अकबर वाले जो टाइम थे, अकबर मुगल राज्य के हैं, अकबर हो गए, जो भी और भी उनके हायरकी हैं, उनके फादर हैं, उनके सन वगैरह हैं, तो ये सारे मुगल्स हैं, मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था, अपने यहाँ पे तो जनपद होता है, तो उनके यहाँ पे क्या कहलाता था, सरकार, उनके यहाँ पे क्या बोलते थे, सरकार, सॉरी बच्चे। 85 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी, मतलब इसकी स्थापना तो हो गई चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
क्वेश्चन भी ना इतना घुमा घुमा के पूछते हैं कि बच्चे बेचारे क्या करें। बट प्लीज आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, यही स्ट्रगल होता है लाइफ का, कि आप और पढ़िए, अपने दिमाग की और एक्सरसाइज कीजिए, ये दिमाग की एक्सरसाइज है और कुछ नहीं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी, वो तो गई है, और किसके काल बताना है इसमें। चलो बता दें, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। बता दिया अब इसको, थोड़ा शांति पड़ गई हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ो सब लोग। बख्त खां, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, नाना साहेब। एक तो इनके इतने बड़े बड़े नाम होते हैं जो मुगल काल के लोग हैं, अहमदुल्ला। मेरे को तो बोलने में भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही है, क्योंकि मेरी SST पहले थोड़ी ज्यादा ज्यादा ही वीक थी, बट अब बहुत अच्छी हो गई है। सुन सुन के नामों को, हिस्ट्री पढ़ पढ़ के बहुत अच्छा फील होता है मेरे को। तो चलो देखते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को SST की भी क्वेश्चन करा पा रही हूँ, क्योंकि मेरी SST अब बहुत अच्छी हो गई है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है। अवध, कानपुर, आला, आरा, दिल्ली। आरा तो मुझे नहीं पता है कहाँ है, पर अवध, कानपुर और दिल्ली मुझे जरूर पता है। तो बख्त कहाँ कहाँ के हैं? दिल्ली के हैं भैया, ये कहाँ के हैं? दिल्ली के हैं। बख्त कहाँ? दिल्ली के हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बख्त कहाँ दिल्ली के हूँ? तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आएंगे, उलझना ही नहीं है। फिर भी चलो देख लेते हैं, आप लोगों की आत्मा की शांति के लिए। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ के? अवध के। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ के? अवध के। आपको क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा देख के, यार मौलवी अहमदुल्ला दिल्ली के होने चाहिए, क्योंकि ये थोड़े मोमेडियन से लग रहे हैं, और दिल्ली में ही पहले लोग शाहजहां के टाइम पर लोग दिल्ली में ही रह रहे थे, ज्यादा मोमेडियंस, पर ऐसा नहीं है। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए कि बख्त कहाँ दिल्ली में आते हैं, और मौलवी अहमदुल्ला अवध से बिलोंग करते हैं। कुंवर सिंह कहाँ से करते हैं भैया? आरा से। और नाना साहेब कानपुर से। नाना साहेब कानपुर से। अब देखते हैं, विटामिन ए का भंडारित रहता है मानव शरीर में, विटामिन ए कहाँ रहता है? तो कहाँ रहता है किसी को पता है क्या? यकृत में। विटामिन ए कहाँ रहता है? यकृत में। और विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज होती है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर किसी को पता है, और नहीं पता है तो प्लीज उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, मैं बता दूंगी आप लोगों को। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मैचिंग आ गई। प्लीज मैचिंग असेशन इज एन स्टेटमेंट, इनको इतना गॉड की पी लो कि कोई दिक्कत ही ना हो। मैचिंग आए, टिक 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 आ गए। आपका पेपर आधे घंटे में सॉल्व हो जाना चाहिए, पूरा 1 घंटे का, अगर आपने मेरे से पढ़ लिया तो। 88 का थर्ड, विटामिन के अल्फा अल्फा, विटामिन के अल्फा अल्फा, और विटामिन डी कॉड यकृत तेल, कॉड यकृत तेल। और विटामिन सी का सब लोगों को पता है कि नहीं पता है? नींबू, खट्टी चीजों में होता है विटामिन सी, नींबू, संतरा, मौसमी। डी का कोई सेकंड मिल रहा है क्या? यस मिल रहा है, ऑप्शन आगे टक करके चलो बच्चों। बस 10 क्वेश्चन रह गए हैं, प्लीज स्टे ट्यून। 10 क्वेश्चन मतलब आपकी रैंक 1000 गिर भी सकती है, और आप सिलेक्ट भी हो सकते हो। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, गेहूं सम्मिलित नहीं है। प्लीज आप लोगों को ऐसा लगे ना, यार वीडियो बहुत ज्यादा लंबी है, 1 घंटा हो गया इनको पढ़ाते पढ़ाते, तो प्लीज उस बारे में सोच लिया करो कि जब आपको 1.5 लाख रुपए या 2.5 लाख, 3 लाख रुपए मिलेंगे, तो फिर आपके पास कितने सारे रिसोर्सेज हो जाएंगे। आप चाहो तो फोन ले सकते हो, आप चाहो लैपटॉप खरीद सकते हो, आप चाहो अपनी स्टडी टेबल अच्छे से खरीद सकते हो, आप चाहो अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हो अपने पैसों से, अपने पेरेंट्स के पैसों से नहीं बच्चों, अपने ही पैसे। आप चाहो तो अपने लिए बुक्स खरीद सकते हो, नई नई किताबें, अच्छी अच्छी और ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हो, अच्छा एक मोबाइल ले सकते हो, क्योंकि 8th और 10th वाले बच्चों के पास ज्यादातर अप्रोक्स 15-20 हज़ार रुपए का मोबाइल होगा। बट आप अगर सोचिए, अगर आपको 2.5-3 लाख रुपए मिलेंगे, तो आप एप्पल फोन खरीद सकते हो, अपना 84,000 का एक आईपैड आता है बच्चों पढ़ने के लिए, वो भी ले सकते हो। क्योंकि मैं जब स्कॉलरशिप एग्जाम देती थी, मैं आपको बताती हूँ अपनी स्टोरी आज थोड़ा सा, जब मैं स्कॉलरशिप एग्जाम देने जाती थी, तो ऐसे मेरे को हाल ही से पता चलता था 1 हफ्ते पहले कि इस दिन ये वाला स्कॉलरशिप एग्जाम है। तो फिर मैं अपने भाई से पूछती थी, भैया से, बड़े भैया है मेरे, उनसे पूछती थी मैंने, यार भैया इसमें कितने रुपए मिलेंगे मुझे? तो बोलते थे, बेटा इसमें 50,000 या 60,000 रुपये मिल जाएंगे।
कहा अच्छा ओके, तो फिर ठीक है 10,000 रुपये मैं अपने ऊपर खर्च करूंगी, 20,000 का मैं मोबाइल लूंगी, और 20,000 रुपये की मैं अपनी एक अच्छी सी स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करके रखूंगी। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता था पढ़ने का, बट अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं था मुझे, क्योंकि मैंने उससे नॉलेज गेन की है। मुझे जो क्वेश्चन नहीं आते थे वो भी मैंने सीख लिए। अब किसी को ये नहीं पता हो कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रतिभा पाटिल है। तो मैंने कुछ सीखा ही, तो आज आगे जाके लाइफ में काम आ जाएगा मेरे। आज काम नहीं आ रहा तो क्या हुआ, आगे जाके यूज हो जाएगा वो चीज। अगर कोई बच्चा यूपीएससी एस्पिरेंट बनेगा, एसएससी एस्पिरेंट बनेगा, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेगा, तो यूजफुल ही है, पढ़ाई वेस्ट नहीं होती है। तो प्लीज ऐसे मोटिवेट रहिए कि अगर अपन को इतने पैसे मिलेंगे तो अपन क्या क्या ले सकते हैं और क्या क्या खरीद सकते हैं, अपने पास और अच्छा अच्छा क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों जल्दी से। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, बंदरगाह मतलब होता है सी पोर्ट, पोर्ट। तो किस जगह स्थित है ये बच्चों? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। आपने देखा होगा महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, ये ज्यादा हॉटस्पॉट पॉइंट है किस चीज के लिए? बंदरगाह के लिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट समुद्री सामान आता है, मतलब समुद्र के द्वारा, सी के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। अरे भैया मैचिंग इतनी भर भर के दे रहा है, ये बच्चों का दिमाग खराब हो रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, दीदी आपके साथ है तो आप पढ़िए। एस्किमो यहूदी लैप्स गॉन, ये तो ज्यादातर बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखा है। अब ये क्या पता है? वर्ल्ड जीके है। इंडिया जीके तो सब लोग पढ़ाते हैं, पर वर्ल्ड जीके कोई नहीं पढ़ाता। और वर्ल्ड जीके 5 से 8 10 क्वेश्चन आने वाले हैं वर्ल्ड जीके के, वर्ल्ड हिस्ट्री के, वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड जी के। तो प्लीज वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड जी को छोड़ के मत जाइए बिल्कुल भी। आपको थोड़े अजीब से शब्द लगेंगे, पढ़े नहीं होंगे, बट प्लीज देखते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते जाएंगे, आप पढ़ते जाइए क्वेश्चन को। ए का क्या है बच्चों? टू, मतलब अलास्का। ए का क्या है? टू। ओके, यहूदी, यहूदी मतलब इसराइल, यहूदी मतलब इसराइल। ओके, लैप्स मतलब होता है यूरोप, और गौड़ कहाँ की है? अभी ट्राइब्स दिए हैं, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हो, गौड़, जाति, भील, वैगन, ऐसी कोई ट्राइब्स पढ़ी है मैंने अभी एसएसटी में। मैं फिर से बता रही हूँ, एसएसटी मेरी थोड़ी वीक है, इतनी ज्यादा वीक नहीं है, मैं समझा सकती हूँ आप। गौड़, जाति, भील, जनजाति, ये सारी कहाँ की ट्राइब्स हैं? भारत की है। तो डी का जाएगा थर्ड, डी का थर्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और ए का जाना चाहिए टू, ए का टू मतलब एस्किमो है अलास्का, अलास्का मतलब थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं, बस 10 क्वेश्चन रह गए हैं, प्लीज 10 क्वेश्चन पर गिव अप मत करना बिल्कुल भी, हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन आ जाए कोई सा, तो अभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति संसद का भाग है, क्या बात सही है कि नहीं है बताओ? बिल्कुल सही लग रही है यार मेरे को तो। विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बना सकता, कानून नहीं बन सकता विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। तो यार मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के बिना तो कोई भी कानून नहीं बन सकता, क्योंकि बिल पास होता है तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री, मतलब जो लोग छोटे 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 लोग होते हैं, मतलब छोटे क्या बड़े ही हैं, पर जो भी है उनकी पोस्ट थोड़ी नीचे है, पोस्ट नीचे है, तो उनके पास से बिल पास होकर प्रधानमंत्री पे जाएगा, और प्रधानमंत्री के बाद वो जाता है डायरेक्ट प्रेसिडेंट से। अगर प्रेसिडेंट साइन कर देगा तो वो लॉ बन जाएगा, यूनिवर्सल लॉ हो जाएगा, नहीं तो वो एक प्रिंसिपल करके बोलते हैं कि इस चीज को, कि बिल पास तो हो गया पर साइन नहीं हुए, तो उसको प्रिंसिपल करते हैं। मुझे पता नहीं है इतना ज्यादा, बट आप इतना याद कर लीजिए कि इतना समझ लीजिए कि बिना राष्ट्रपति के कोई भी बिल और कोई भी कानून नहीं बन सकता है, और राष्ट्रपति संसद का भाग बिल्कुल है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, दोनों, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। चले बच्चों 93rd नंबर पर। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो देखते हैं कहाँ स्थित है भैया। देहरादून में स्थित है, ज़्यादातर ये सारी चीज़ें देहरादून में ही है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का भी हिली एरिया में ही है, कोई कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो हेडक्वार्टर होता है, यहाँ ट्रेनिंग होती है, वो उत्तराखंड में है, लवासा जिसको कहते हैं। तो ये सारी हिली एरियाज में ही है, पहाड़ वहाड़ ज़्यादा होते होंगे मेरे हिसाब से, तो लोग जंपिंग वम्पिंग करते होंगे, यहाँ पे मस्ती करते होंगे, मस्ती नहीं करते, बेवकूफों पढ़ाई करते हैं, कलेक्टर है, मस्ती नहीं होती वहाँ। विभाजन भयावह स्मृति दिवस, ज्यादा बच्चे क्वेश्चन गलत करके आएंगे, और क्वेश्चन आ गया तो समझ लीजिए 100 या 150 रैंक नीचे, डायरेक्ट कंपटीशन से बाहर।
देखते हैं कब मनाया जाता है। अभी भी निकल के गया है ये, तो मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में। 14 अगस्त इज द राइट ऑप्शन। अभी भी निकल के गया है, अगस्त नहीं आता है, तो ये सितंबर दे रहा है, हट दिसंबर, हट जनवरी, हट अगस्त इज द राइट ऑप्शन। लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। नौसेना का सर्वोच्च पद क्या होता है? नौसेना का सर्वोच्च पद में सबसे अच्छा पद कौन सा होता है, सबसे हाई हाई क्वालिटी का, मतलब क्वालिटी का तो नहीं बच्चों, हाई रैंक का? एडमिरल। क्या है एडमिरल? तो इसको याद कर लीजिएगा। सारी रैंक वैंक के क्वेश्चन है, सारी जीके के क्वेश्चन है। असम का काजीरंगा वन्य जीवन आपने सुना ही होगा, काजीरंगा वन्य जीवन अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? अब क्वेश्चन इसमें तीन बन सकते हैं, तीन क्वेश्चन। क्या सोच पा रहे हो? थोड़ा बहुत दो तीन वीडियो से पढ़ लिए मेरे से, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, क्योंकि आप अगर होशियार लोगों के साथ रहोगे तो आप होशियार हो जाओगे, आप रहोगे गधे लोगों के साथ आप गधे बन जाओ। सिंपल, ऐसे ही सारा चीज अपने ऊपर होता है कि अपने को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। आसाम का काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, बड़े बड़े सिंह का होता है ये, बहुत बड़े बड़े होते हैं यहाँ पे। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि काय के लिए प्रसिद्ध है। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है कि काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आसाम में स्थित है। अब थर्ड क्वेश्चन बन सकता है कि आसाम में कौन सा अभयारण्य है? तो काजीरंगा वन्य जीवन। तो प्लीज ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे पढ़िए, पर रटो मत किसी भी चीज को, रटोगे तो एग्जाम में जाके सब काम साहब। बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन चिड़िया उड़ जाती है, उड़ जाएगी। काजीरंगा वन्य जीव, वन्य जीव ये थर्ड नंबर। तो तीन क्वेश्चन बना दिए मैंने इस क्वेश्चन, कैसे होती है पढ़ाई। NITI नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत करेंगे ये भी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए मैंने ताकि क्वेश्चन गलत भी ना हो बिल्कुल भी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टर्निंग इंडिया। तो सारे एक जैसे लग रहे हैं मेरे को, तो मेरे को भी कंफ्यूजन है यार इसमें। तो कुछ करो बच्चों, हेल्प करो, थोड़ी 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 चीटिंग कर लो, थोड़ी सी पीछे वाले से पूछो थोड़ा सा। ए भाई नीति आयोग का क्या होगा? ऐसे पूछ मत लेना एग्जाम में, NTA करा रहा है पेपर, इतने ज्यादा मतलब ऐसे टीचर्स होते हैं, मैंने दिए हैं NTA के पेपर, ऐसे टीचर्स होते हैं जो बिल्कुल इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर आपने बिल्कुल भी इधर भी देखा ना तो भी क्यों, सही से बैठ जाओ। तो प्लीज ऐसी चीटिंग नहीं, अपन पढ़ रहे हैं प्रॉपर अच्छे से। नेशनल इंस्टीट्यूट NIE का तो हो गया मेरा। T का होता है ट्रांसफार्मिंग, ट्रांसफार्मिंग किसी में नहीं है, नहीं। चलो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 98 नंबर, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? मतलब एक स्टेट का सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है? तो संप्रभुता। क्या होती है? संप्रभुता। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? जनहित याचिका, याचिका जो है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो बताइए, न्यायिक पहल द्वारा। इसके देखो, न्यायिका की, जनहित याचिका की जो शुरुआत है वो न्यायिक पहल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें क्या? लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कुछ अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है यार, ये तो सोने पे सुहागा हो गया, बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन संबंधित है? चिपको मूवमेंट किस चीज से संबंधित है? मुझे लग रहा है ये वही वाला आंदोलन है क्या, मूवमेंट जिसमें कुछ ट्रीज को कट कर दिया था, या फिर ट्रीज को बचाने की ऊपर था, शायद ये इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर रहा है। ये देखते हैं, बाघ परियोजना से बिल्कुल भी नहीं, टाइगर से नहीं है, जल संरक्षण ये भी नहीं है, वृक्ष काटने से। अरे भैया काटेंगे क्यों, पागल हो गए क्या? आंदोलन हम वृक्ष काटने के लिए बनाए जाएंगे? क्वेश्चन वाला कुछ क्वेश्चन अच्छे भी दे रहा है, दिमाग के हैं बस, दिमाग लाओ। वो पादप या वृक्ष संरक्षण से, पादप या वृक्ष संरक्षण से। तो बच्चों आज अपन लोगों ने 50 से लेके 100 तक जीके का प्रैक्टिस किया है। अब मैंने जैसा कि आपको कम्युनिटी में बताया था कि आज अपन टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे, तो बच्चों ये हो गए अपने 50 क्वेश्चन, 50 से लेके 100 तक 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो देख लेना, 50 क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा अपना वर्क करने जा रही हूँ। ऐसा 50 क्वेश्चन ये हो गए आपके, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी है तो मुझे बता देना,
कम्युनिटी सेक्शन में अपने आंसर करते रहो। और टेलीग्राम चैनल किस किस ने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ वो कम्युनिटी में डाल दिया है मैंने, तो कम्युनिटी में कुछ बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, उसको भी ज्वाइन कर लो जल्दी से, जिससे जब मेरे सब्सक्राइबर 250 हो जाएंगे, जितने बच्चे मेरे पास टेलीग्राम में ज्वाइन है उतने बच्चों के साथ मैं जूम मीटिंग रखने वाली हूँ, एक ऑनलाइन मीटिंग लाइव इंटरेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से याद कर लीजिएगा, तुरंत ही इस वीडियो करने के बाद 50 क्वेश्चन और रेडी हैं आपके लिए, उसको भी कर लें, और फिर उसके बाद अपन कुछ डिसीज को लेके स्टडी करेंगे। थर्ड वीडियो आएगी आपके लिए डिसीज के ऊपर, मतलब बीमारियों के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन आते रहते हैं, COVID-19 के ऊपर भी एक दो क्वेश्चन है उसमें, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर सब कुछ। चले बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।